चैम्बर स्टेशन के बाहर दुकानदार और फेरी वाले आपस में भिड़े। एक फेरी वाले ने दुकान मालिक से की मारपीट। आपको बता दें, चैम्बर रेलवे स्टेशन के पास और चैम्बर मुंबई महानगर पालिका कार्यालय के पास फुटपाथ फेरी वालों का कब्जा है और फुटपाथ पर बड़ी संख्या में फेरी वाले अपनी दुकान लगाते हैं। फेरी वालों की वजह से चैम्बर मार्केट में सभी दुकानदार परेशान हैं और सभी दुकान मालिकों ने फेरी वालों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि फेरी वाले दुकान के बाहर अपनी दुकान लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दुकान में आने और जाने का रास्ता बंद हो जाता है और फेरी वाले बदतमीजी करते हैं। कल दोपहर में एक फेरी वाला अपनी दुकान लगा रहा था, उसी समय चैम्बर दुकान एसोसिएशन कि चेयरमैन किशोर कुलकर्णी के साथ कहा सुनी के साथ मारपीट हो गया, जिसकी वजह से चैम्बर मार्केट के सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद कर फेरी वालों के खिलाफ मोर्चे खोल दिया। आपको बता दें, किशोर कुलकर्णी के साथ मारपीट करने वाले फेरी वाले के ऊपर चैम्बर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी को अरेस्ट किया है। अब देखना यह है कि चैम्बर मार्केट के दुकानदार कब तक अपनी दुकान बंद रखते हैं और बाहरील वालों के ऊपर कब तक शिकंजा कसा जाता है। काय घटना होती, काय घटना वगैरह काय जागणार नाही। आज माझ्या जीवाचा हमला झालेला आहे, त्याच्यामुळे मला स्वतःची बंद करायला, मी दुकान सगळं बंद करतो आहे, बाकी मला जास्त काय बोलायचं नाहीये। ह्यांची लिमिटचं बाहेर सगळं चाललेलं आहे, अक्षरशः दादागिरी चाललेलं आहे की कस्टमर दुकानचं आतमध्ये चालून येऊ शकत नाही आहे। तर आता ते कस्टमर लोक कुठे जाणार, कसा येणार दुकानामध्ये? लाखो रुपयाचे माल भरून दुकानं ओपन करून ठेवलेले आहेत प्रत्येक, म्हणजे आतमध्ये दुकानचे बिल्डिंगच्या एंट्रन्समध्ये आतमध्ये कोणी येऊ शकत नाही आहे, तर कसं करायचं? आज आम्ही लोकांनी टांगणी खाली करायला सांगितलं, त्याच्यामुळे त्यांना राग आला आणि ती झाली। सगळे 100 लोक आमच्यावर हल्ला त्याच्यामुळे। और बोलो, चेंबूरची मार्केट पूर्ण बंद केलं का? हो, आता पूर्ण मार्केट बंद केलेलं आहे। थोडी थोडी दुकाने आतापर्यंत बंद करतायत ते लोक, कारण दुकानं बंद करायला जाड तास दीड तास लागतो आहे उघडायला। पोलीस स्टेशनला NCC कंप्लेंट झालेलं आहे ऑलरेडी, त्याची कॉपी मी तुम्हाला देणार। त्या नाव काय तुमचं आणि? किशोर कुलकर्णी, मी चेअरमॅन आहे चेंबूर मर्चंट असोसिएशनचा। ॲज पर सुप्रीम कोर्टचा ऑर्डर आहे, स्टेशनच्या परिसर 150 मीटर हिअर 150 देअर नॉट अलाउड अँड नो ऑकर झोन आहे। तरी पण ते लोक धंदा बिझनेस करताय, बिकॉज ऑफ दॅट DMC अँड पोलीस दार सगळं मिळलेले आहे। तीन काय प्रॉब्लेम आहे? तुम्ही लोक दुकाने बंद केलं काय सांगाय? अरे तुम्हाला माहिती आहे की फेरीवाल्यांची दादागिरी आहे, ते दिवसादिवशी वाढली आहेत आणि ते एक लाईनमध्ये नाही, ते तीन तीन चार चार लाईनमध्ये बसतात। आणि आता दिवाळीमध्ये तर आम्ही समजतो की टोपली घेऊन गरीब लोक बसतात, पण हे सातत्याने एवढं पूल फुटपाथ आणि खाली रोड एवढं कवर करून ठेवलं आहे आणि ते लोकाला चालू शकत नाही, कोणी सिनियर माणूस जाऊ शकत नाही, येऊ शकत नाही। आणि दुकान एवढी टांगणी लांब लांब टाकतात, मोठी हाईटवर 15-20 फीट हाईट घेऊन, तर दुकानाचे बोर्ड दिसत नाही। तर हे फार दिवसादिवशी फार वाईट परिस्थिती चालली आहे चेंबूर स्टेशनमध्ये। दुकानची काहीच कदर राहिली नाही, फक्त फेरीवाळ्यांचा धंदा होतात आणि दुसऱ्यांचा कुठलाही धंदा बंद झाला आहे त्याच्यामुळे। आणि आजच्या दिवशी हे आम्ही सातत्याने दिवाळी नंतर कंटिन्यूअस हे BMC मागे पोलीसच्या मागे लागलेलो आहे की तुम्ही आणि शिस्त बंद करा, जे 3x3 बसणारे लोक आहे त्यांना बसू द्या, बाकी दुसऱ्यांना सगळ्यांना काढा, असं आमचं म्हणणं आहे। की लीगल जे आहे ठीक आहे, पर इलिगल लोक जे आहेत त्यांच्या इथून काढावं लागेल तुम्हाला, हे आमची डिमांड आहे। आणि आज 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 आमचे चेअरमॅन माननीय श्री किशोर कुलकर्णीवर जीवचा हल्ला झाला आणि त्यांच्या मारण्याची धमकी दिली, त्याच्यामुळे हे चेंबूरची दुकाने बंद आहे। फेरीवाल्याने ते आम्ही पोलीस कंप्लेंटमध्ये कंप्लेंट केलेली आहे। चेंबूर मार्केटमध्ये आप रहते हैं, क्या करना चाहिए? मेरा नाम मंजूर मकबूल खान है, मैं जय हिंदुस्तान हॉकर्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और ये हमारे जो फेरी वाले हैं,
मैं इनके लिए इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है एक साइड से अपना ये बैठें, अगर कोई दुकान वाला जो है कुछ गलती भी करता है तो उसको नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि हमने दुकान वालों को जब राम कहा है तो दुकान वाले भी हमें लक्ष्मण कहना चाहिए। अब ये जो इतना बड़ा माहौल जो बनाया गया है, ये माहौल बनाने कोई ज़रूरत थी? आप मेरे यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं और भारत मार्केट के पास वहाँ जो है आप जाके झगड़ा करोगे, ये मुनासिब है क्या? ये तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। हम कितना आपकी वो सुने, आज हाई कोर्ट का 150 मीटर का आर्डर आ गया, आप लोग वही लेके दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास 4-5 आर्डर है। वो आर्डर भी देखो, जो जूने फेरी वाले हैं उनको कोर्ट ने हटाया नहीं है। अभी आज एक और ऑर्डर आया, अभी आप लोग को देखिए आज जो हुआ गलत हुआ है, और जो गलत है उसको सजा देना चाहिए, लेकिन उसको इंक्वायरी करना चाहिए कि गलत हुआ कहाँ से, वो गलत हुआ कहाँ से, हम एक तरफा बात नहीं करेंगे। सर, स्टेशन परिसर में 150 मीटर तक आप जो धंधा है आप लगा नहीं सकते, तो इसके बारे में क्या नहीं, उसके 2 दिन के बाद ये कोर्ट ने क्लियर करके दिया है कि जो पोटक जो जूने फेरी वाले हैं, जो जूने फेरी वाले हैं उनको बगैर जगह दिए आप यहाँ से हटा नहीं सकते। हमको जगह भी नहीं दी गई और 900 मीटर में हमको हटाया जा रहा है। कोर्ट ने डेढ़ी कहा, आप लोग के विरोध में सभी दुकानें बंद कर रहे हैं दुकानदार, उसके बारे में क्या? देखिए, देश हमारा आज़ाद है, हम तो गांधी जी वाला हाथ करेंगे। गांधी जी ने जैसे जो हाथ जोड़ के लोगों से अपनी रोटी रोटी मांगा था, वैसे ही हम मांगेंगे। हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम दुकान वालों से लड़ेंगे। ओके।